हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राम राम सभी को। हैप्पी दिवाली सभी को। मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी अभी जस्ट मैं बस अभी उठा हूँ, और उठ के अभी थोड़ा सामान लेने जाना है क्योंकि घर पे आने वाले कुछ मेहमान, ठीक है, तो उनके लिए जैसे रोटी पानी का भी प्रोग्राम करना है। तो वैसे भी आटा ख़त्म हो रखा है, तो आटा लेने जाना ही है। बाकी कुछ सामान हम कल ले आए थे, जो मेन मेन था, बाकी कुछ घर पे पड़ा ही है। तो अभी बस मैं निकल रहा हूँ अपना सामान लेने के लिए, तो मिलता हूँ आपको रास्ते में। तो भाई मैं ना निकल चुका हूँ अपना घर से। मैं निकला हूँ अभी आटा लेने, और धनिया साथ में नमकीन, क्योंकि आप लोगों को पता ही है आज घर पे हमारी दिवाली के त्यौहार पे मेहमान आने वाले हैं। जो करण है उनकी फैक्ट्री में उनके साथ काम करते हैं, तो वो एक लेडीज़ हैं, वो अपने दो बच्चों के साथ आ रहे हैं। तो अभी लेके चलते हैं आटा। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी एक इंडियन शॉप है मिस्टर सिंह के नाम से, यहीं पे घर से थोड़ी सी दूर है। तो अपना ये आटा वगैरह मतलब अपनी इंडियन शॉप पे ही मिलेगा, तो कहीं मिलता नहीं वो आटा, कोई रखता नहीं यहाँ पे। तो अभी मैं वहीं तो वहीं जा रहा हूँ, और धनिया वगैरह भी वहीं से ले आएंगे, एक नमकीन का पैकेट। तो मिलते हैं आपको सामान सून लेने के बाद शॉप। तो वैसे मैं पहुंच चुका हूँ अपना शॉप पे, ये अपनी मिस्टर सिंह के नाम से। तो मिलते हैं आपको अंदर जाकर। तो गाइस आटा लेने के बाद मेरे हाथ में, अब मैं निकल चुका हूँ अपना घर की तरफ। बाकी जो नमकीन और धनिया, धनिया इनके पास है नहीं था, और नमकीन भी सिर्फ एक ही थी, खट्टा मीठा, और या तो वो थी क्या कहते हैं पीनट, पीनट थी तो पकौड़ियाँ, मतलब वो बोलते हैं पीनट की पकौड़ियाँ, और नमकीन थी, तो दोनों में कोई मज़ा नहीं था। तो इसलिए देखते हैं अब जाएंगे एलडी वगैरह से लेके आ जाएंगे, क्योंकि आटा तो वहाँ मिलना नहीं था, आटा सिर्फ ही मिलना था। इसलिए मैं सोचा कि सारा सामान से ले लेंगे, बट इनके पास है नहीं, तो अभी ये रख के घर पे, फिर देखते हैं जाते हैं एलडी, तो वहाँ से लेके आएंगे। एलडी जाएंगे या दूसरी शॉप पे जाएंगे, चाइनीज़ शॉप है जो फ्रूट एरिया, उन पर देखते हैं धनिया वगैरह मिल जाए तो, धनिया नमकीन। तो मिलते हैं आपको घर पहुँचने के बाद। तो आटा उट्टा रखने के बाद घर पे अब मैं निकल चुका हूँ धनिया और नमकीन लेने के लिए। तो देखते हैं इस शॉप पे मिलता है नहीं, नहीं तो फिर अपना हल्दी जाएंगे। एक इंडियन शॉप है और है, लेकिन वो थोड़ी दूर है, तो अगर वहाँ नहीं मिला मतलब हल्दी वगैरह में, तो उस इंडियन शॉप से जाकर लानी पड़ेगी। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपना हल्दी में, और देखते हैं यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता सामान। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना दोबारा वहीं उसी इंडियन शॉप पे जाना पड़ेगा। उम्मीद तो नहीं है वैसे यहाँ पे भी, लेकिन नमकीन का तो मुझे लगता नहीं। बाकी लेज वगैरह या भुजिया, ओनली भुजिया मिल सकती है यहाँ पे, तो अभी देखते हैं अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना इंडियन शॉप पे। तो भाई एलडी में ना तो नमकीन मिली ना ही धनिया मिला, तो अब मैं जा रहा हूँ अपना इंडियन शॉप पे, थोड़ी सी दूर है, तो अब मैं आपको मिलता हूँ वहीं पे जाके शॉप में ही। तो भाई अभी मैं जिस शॉप पे गया था ना, उनके पास नमकीन है, एक ही नमकीन है, वो भी महंगी है, 50 सेंट।
50 सेंट मांगे, चलो 50 रुपये महंगी इंडिया के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैं यहाँ पहले दुकान पर गया था ना, उनकी दुकान पर जा रहा हूँ। उनके पास 199 की थी और इनके पास 249 की है, तो उन्हीं से ले आऊँगा। उनके पास ये था, सही की पड़ी, बाकी देख लेंगे जहाँ से भी रहेगा। बाकी मुझे थोड़ी गर्मी लगने लग गई थी, इसलिए जैकेट निकाल दी मैंने, मोटे पर टांग ली। फाइनली गाइस, एक शॉप से नमकीन मिल चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। रास्ते में जाते हुए मैंने लिया धनिया, वो अपनी शॉप से, जो चाइनीज शॉप है अपने घर के पास, उनसे लेंगे, क्योंकि इनके पास रेट सही है, सस्ता भी है, सामान भी सही है। तो वैसे सामान लेने के बाद अब मैं पहुँचूँगा घर पर, मेहमान भी आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी बस मैंने ऑटो अटक करना है, तो वो वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि बैटरी भी इसकी डाउन हो चुकी है। और उसके बाद मैंने जाना है गुरुद्वारे में भाई और के साथ, तो मैंने जल्दी जल्दी तैयार भी होना है। तो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ा सा अपना सब कुछ रेडी वेडी होने के बाद, ठीक है। तो गाइस, सारा काम निबेटने के बाद मैं नहा धो के आ चुका हूँ और अब हमारे को थोड़ी सी ड्रायर बालों को करना थोड़ा सेट। तो गाइस, मैं रेडी इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि आज हमारा जो प्लान है, गुरुद्वारे जाने का प्लान है, हम 4 बजे जा रहे हैं। बाकी करना तो यही है क्योंकि जो मेहमान आए हुए हैं वो उनके साथ हैं, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ रसोई में, किचन में, सीट बेल्ट ला लो। तो गाइस, हम निकल चुके हैं अपना गाड़ी में गुरुद्वारा साहिब की तरफ। बाकी अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा की तरफ, गुरुद्वारा साहिब की तरफ। और जो यहाँ से है बाई कार 20 किलोमीटर है पूरा, और दिखाता हूँ आपको सफ़र। हम इस सब 4 भाई हैं, 3 हम बैठे हैं, बाकी एक भाई आगे बैठे हैं अपने। अच्छा, तेन वो कहानी ला सही, मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा, तेन वो कहानी ला जाए
Eu vivo em Setúbal. Conhece Setúbal? तो फाइनली गाइस 20 किलोमीटर का सफ़र कंप्लीट करके हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा साहिब। और आप लोग देख ही रहे होंगे इस टाइम कितनी भीड़ हो रखी है। बाकी आपको अभी और उतर के बिल्कुल पास से दिखाते हैं। इनको गाड़ी लगाने दो साइड में, उतर के फिर दिखाते हैं। ये देखो भीड़ बहुत ज़्यादा है। आज पता लग रहा है कि यहाँ अपने इंडियन कितने हैं यहाँ पे। बाकी जो ये अयोध्या वायरस है यहाँ पे सारे इंडियन ही रहते हैं। बाकी मिलते हैं आपको अभी उतरने के बाद। तो भाई हम पहुँच चुके हैं अपना गुरुद्वारा साहिब। यहाँ लगी हुई पूरी भीड़, आप लोग पीछे देख ही रहे होंगे लगती लंबी लाइन लग रही है। तो अभी लेके चलते हैं आपको अंदर, मिलते हैं आपको अंदर चल के। हेलो सामान ले रहा क्यों तेरे पता नहीं था। ये क्या है पैर रुमाल दिखा। इधर आओ साइड हो जाओ, उधर हो जाओ, उधर I'm not afraid.
ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ तो भाई माथा टेकने के बाद हम निकल चुके हैं अपना गुरुद्वारे से और हम जा रहे हैं यहाँ से भाई ट्रेन जाएंगे भाई मेट्रो मयूर के काम पे उन्होंने जाना है तो उसके बाद वहाँ से मिठाई मिठाई लेके फिर हम निकलेंगे अपना घर की तरफ और फिर देखते हैं आ जाएंगे। तो हम बैठ चुके हैं अपना मेट्रो में और हम निकल चुके हैं यहाँ से अपना काम की तरफ। बाकी मैंने रास्ते में रुकना है भोजन जाना है मैंने एक वाइफ का जो सामान है वो लेके आना है बाकी वही चले जाएंगे आगे तो मैं चलता हूँ उधर तो दिखा दूँ आपको। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपना कैंपो ग्रांडे मेट्रो स्टेशन पे। अब हमने यहाँ से करनी है मेट्रो चेंज ठीक है। अब यहाँ से हम जाएंगे ग्रीन मेट्रो पे फिर उसके बाद मैंने पकड़नी है पिंक तो जैसे जैसे उत्तर रहेगा मैं दिखाता रहूँगा ठीक है। इस टाइम खड़े हैं यहाँ पे कैंपो ग्रांडे पता तो जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है इसमें देख सकते हो आप। अभी हमें पीले वाली लाइन की तरफ वहाँ से हमें जाना है गुलाबी पे गुलाबी फिर मैंने चेंज करनी है ठीक है ओरिएंटे जाना है तो दिखाता रहूँगा आपको। तो हम गाइस हम बैठ चुके हैं अपनी दूसरी मेट्रो में आ चुकी है अभी बैठे हैं बैठे कुछ सामने उतर चुका हूँ अपना इस मेट्रो में से और भाइयों चले गए हैं आगे। मैंने यहाँ से जाना ओरिएंट अब मैं यहाँ से करूँगा अपनी मेट्रो चेंज। ये स्टेशन का नाम है अलमेदा तो मैं यहाँ से जाऊँगा ओरिएंट की तरफ ठीक है पिंक लाइन पे तो मिलता हूँ आपको अंदर ट्रेन में बैठने के बाद। फिर ये है यहाँ का मेट्रो स्टेशन अलमेदा का अंदर की तरफ मैं बैठ चुका हूँ दूसरी मेट्रो में मतलब तीसरी मेट्रो में तीसरी मेट्रो चेंज किया मैंने आपको बैक कैमरे से प्रॉपर दिखाता हूँ। कोई उतर चुका हूँ मैं मेट्रो में से और मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ जहाँ अपना मेन बसें लगती हैं जहाँ से मतलब कि अपने आर्मोस्टी रोड के अंदर जाती हैं यहाँ से मेन स्टॉप है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ बाहर तो मिलता हूँ आपको बाहर जाने के बाद। यहाँ पे जैसे अपने एक बाइक खड़े हैं उनको जाने मुझे तो फिर मैं अभी आया हूँ मेट्रो यहाँ पे बाहर हो गया ना बस स्टॉप है जो मेन क्योंकि जो बंदा आ रहा है उनके ना दो बच्चे हैं छोटे छोटे से उनके लिए चॉकलेट वगैरह लिए मैंने मतलब भाई ने कहा है कि जो वो दोस्त हैं उन्होंने कहा है कि उनके लिए लेके जानी है तो मैंने ये लिया ये अंदर आया हूँ मैं तो भी लेके जा रहा हूँ उनके पास तो मिलते हैं। किसका क्या चीज़। तो गाइस मैं बैठ चुका हूँ अपना बस में
और ये बस जाएगी सीधा यहाँ से सतूबल, फिर वहाँ से मुझे वापस कम्बोई में आना पड़ेगा। ये बस सीधा सतूबल जाएगी क्योंकि जो अपने घर के पास जाती है वो बस हर संडे के कारण बंद है। तो बाकी अब आप देखो यहाँ से व्यू कितना मौसम आ रहा है। पहले मैं जब गया था उस टाइम बारिश हो रखी थी, उस टाइम को प्रॉपर व्यू नहीं दिख पाया। तो ये वही पुल है जो 12 किलोमीटर का है। तो अब आप व्यू देखिए, तो आप देखते रहना अभी आप आज मतलब दिन के नज़ारे लेना समुद्र का और व्यू भी देखना। बस यहीं से आगे जाएगी, पहला स्टॉप आएगा वही, पहला स्टॉप ये आ गया ना, सूबल आ गया ना, ये पहला स्टॉप है। ये पता है मेन जो इनका जो मेन है वो आ गया, मेन ट्रेन स्टेशन पे जाएगी ये। हाँ ठीक ठीक है, क्योंकि इधर तक तो मैं आया हूँ ना, मैंने ये देख लिया चीज़ें घूम लिया, मेरे ट्रेन वहीं से पकड़ी है ना, वो वाली तुम बोल दी। तो भाई मैं उतर चुका हूँ बस में से, और ये है अपने पास बैग, धकेल के लेना पड़ रहा है धक्के से। साथ में भाई मिले हैं एक, आगे आगे चल रहे हैं, ये है अपने पाकिस्तान से, अपने वही बस में आए थे। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ कम्बोई में, और ये तो यहीं रुक जाएंगे। तो मैं चलता हूँ, बाकी हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया है, तो हम चलते हैं यहाँ से अंदर। सामने कम्बोई स्टेशन ही है, तो मैं आ चुका हूँ अंदर। पीछे पीछे आ रहे हैं भाई जी, तो मैं मिलता हूँ आपको बैठने के बाद, क्योंकि ये मेरे को स्पेशल छोड़ने के लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ से कौन सी लाइन जाएगी, नंबर एक पे जाएगी ना, नंबर एक पे जाएगी ब्रेक के बाद। ठीक है, क्या टाइम 15:48 पे जाएगी, 15 जो भी हो गए, तो बस जाएगी 15:48 पे, टाइम हो गया 15:24। तो मिलते हैं आपको बैठने के बाद। ठीक है भाजी, मिलते हैं फिर। सही है, ओके, मैं लिंक भेज दूंगा यूट्यूब का। ठीक है जी, सही होगा। ठीक है भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद इन भाई का, जैसे पाकिस्तान से, बट इन्होंने हेल्प कराई मेरी, इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प कराई मेरी। इंटर को पहले चढ़वाया था, बहुत भारी है जिन भाई, उन भाइयों का भारी बहुत बैग है, मतलब 35-40 किलो वजन है इसमें। और चलो हम मिलते हैं आपको स्टेशन में बैठने के बाद मुंबई में। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ अपना कम्बोई स्टेशन पर, पीछे पड़ी अपनी टैची, ऊपर आ चुका हूँ मैं। तो अब मिलते हैं आपको उसमें बैठने के बाद। बाकी जो भी भाई मिले थे, अली नाम था उनका, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मतलब हेल्प कराई मेरी। बैग को पहले बस में चढ़वाया था, फिर अब उतरवाया था। ठीक है, तो अब उनका स्टॉप, उनका वो भी मतलब अभी पेरिस से आए, वो भी उनको 2 महीने हुए, वो बता रहे हैं अभी 1-2 महीने हुए उनको पेरिस से आए। और बाकी नंबर हमारा एक्सचेंज हो गया है,
ठीक है, बात क्या करेंगे, उनको भी जैसे काम की ज़रूरत थी उनको भी, तो मुझे भी यही है मतलब काम के लिए। तो मतलब फिलहाल चलो मैं लैंग्वेज सीख रहा हूँ, तो उसके बाद जैसे भी अगर कहीं बढ़िया काम मिलेगा, फिर मैंने उनको बोला कहीं बढ़िया काम मिलता है तो बताएँगे मेरे को। ऊपर वाले की देन है, ऊपर सब अपने जय श्री राम जी, ठीक है, वो सब के सब पे मेहर करेंगे। बाकी आज अपनी दिवाली है तो उम्मीद है सब अपना धूमधाम से मना रहे होंगे, क्योंकि यहाँ तो अभी अपने देखा ही है सब 3:30 हुए हैं और इंडिया में इस टाइम 5:30 ऊपर लगा लो, अपना 8:30-9 बज गए होंगे। तो अब मैं थोड़ा सा घर वालों से भी बात कर लूँ, फैमिली में आज बात भी नहीं हुई, इधर तो सारा दिन घूमने में लग गया, तो उनके साथ अब थोड़ा दिवाली मना लेते हैं। तो आपको मिलूँ आराम से अपना घर पहुँचने के बाद, ठीक है ना, ताकि उनसे अब तो बात कर लो आराम से, सफ़र में पूरा बात करते चलेंगे। मैं बैठ चुका हूँ अपना कमोई में और यहाँ से निकल चुके हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का सफ़र, ठीक है, कमोई का सफ़र मतलब, क्योंकि मैंने घर पे बात कर लिया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बच गया था और थोड़ा मैं सोचा कि चलो वो भी अपना एंजॉय करें, तो इसलिए मैंने 15-20 मिनट बात करके उनको बोल दिया कि आप लोग भी एंजॉय करो अपना दिवाली, ठीक है, क्योंकि हम तो कर ही रहे हैं जैसा जैसा घूम फिर के लगा लो जैसे भी। तो कोई मैं उतर चुका हूँ अपना बस स्टॉप से, मेट्रो से, कम्बोई से, और निकल चुका हूँ अपना यहाँ से, बैग लेके सीटना पड़ रहा है उसको क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी है, उसका जो कुंडा है ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा, मुझे डर है कभी टूट ना जाए बेचारा है। चलो मिलते हैं आपको घर पहुँचने के बाद। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ घर पे, धक्के से ले आके बैग मैंने रख दिया एक साइड में, मैं थक चुका हूँ क्योंकि बैग जो है बहुत भारी था, सड़कें भी मतलब जो फुटपाथ है वो बिल्कुल साफ़ नहीं है, सड़कें मतलब खड्डेदार हैं, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर लगे हुए हैं, एक तो प्लेन सड़क होती है वो चीज नहीं है, जैसे अपने लगा लो इंडिया में जैसे पहले होती थी ईंटों की सड़कें जैसे लगे होते हैं ना वो चीज़ें, जैसे छोटी छोटी ईंटें लगी होती हैं वैसे ही छोटे छोटे पत्थर हैं, उनमें बीच में खड्डे भी हैं, उबड़ खाबड़ है, तो घसीटने में बहुत परेशानी हुई, बट फिर भी पहुंच गया मैं घर पे, उसको मैंने लगा दिया एक साइड में, दिखाता हूँ अभी। तो कहीं सर मैं आ चुका हूँ अपना किचन में और भाई बना रहे हैं खीर, इसमें इलायची, खीर बना रहे हैं, बाकी दाल में दाल खीर, और ये अपना हलवा सूजी का सुबह बनाया था भाई ने, ये पड़े बनाने, ये बिस्कुट कीवी एंड फ्रिज में एक बचा हुआ मिल्क केक, ये रायता, वो अपना क्या अच्छा फ्रूट वगैरह डाल के वो अपना क्या कस्टर्ड पाउडर जैसे मिला के पेस्ट बनाते हैं ना, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है मतलब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो कस्टर्ड पाउडर दूध में मिला के उसके बाद फिर फ्रूट डाल देते हैं इसमें, इसमें डाले हुए हैं अंगूर और आम, केला, अनार के दाने, 4-5 फ्रूट डाले हुए हमने इसमें, और क्या है कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है, कोल्ड ड्रिंक में पीता नहीं, बाकी और क्या है बस फिलहाल इतना ही है, बाकी देखते हैं और अभी बनाएंगे खाना खाना वो भी दिखाएंगे आपको, माता भी टेकना वो भी दिखाएंगे आपको। हैप्पी दिवाली टू ऑल फैमिली मेंबर्स और सब इंडिया वालों को भी,
हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। क्यों गया? हैप्पी होली। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। आने वाले नए साल के लिए सबको एडवांस में बताइया, ठीक है? कैसे हो सर? हैप्पी दिवाली। मोहितो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आई लव यू। आई लव यू टू ऑल। मोहितो। इसको पुर्तगाली में ना टर्मिनल के पता लगता है, देखना क्या बनता है। मैं तो चौरान देखा हूं। मैं पंजवा देखा, पंजवा करे कहंदे। जब गेट से निकले ना। तो बस ये अपना मंदिर घर पे जैसा भी है, बहुत अच्छा है हमारे लिए, बहुत अच्छा मंदिर। मंदिर तो अच्छा ही होता है। और ये खीर और ये दो कैंडल, तो अभी करते हैं इनको भी स्टार्ट, लगते हैं इनको। बाकी अब भाई जी बना रहे हैं, तो बना रहे हैं स्वास्तिक और लिखेंगे अभी शुभ लाभ। तो अभी देखते हैं मथा, तो दिखाते हैं आपको। तो वही माथा मुथा टेकने के बाद अब हम बनाने जा रहे हैं अपना खाना वगैरह, जो हमने मेन बनाना है। खीर तो बनाई ली थी, और इसमें दाल जो अभी हम गर्म कर रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं। और इधर भाई जी बन रहे हैं अभी आटा। तो हम मिलते हैं जब हम रोटी रोटी बनाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस मैं लगा हम खाना खाने, सबसे पहले मैं खाऊंगा खीर, उसके बाद रोटी वगैरह। खीर में हमने डाला हुआ है लौंग, इलायची और काजू। खीर बनी है एक नंबर, बहुत बढ़िया। करण भाई ने बनाई है, बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, देखते हैं अभी हमने क्या तो नाश भी करें, तो भी करेंगे, दिखाएंगे आपको। तो गाइस खाना खुना खाने के बाद सब कुछ हो चुका है ख़त्म, मतलब खाना खा लिया हमने और साफ सफाई होगी। और नाचने का कोई प्रोग्राम नहीं, क्योंकि दो भाई सुबह सो गए हैं, बस हम दोनों जाग रहे हैं। तो अब स्पीकर लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, बाकी ज़्यादा बड़ा स्पीकर भी नहीं है, बट नॉर्मल है। बट वो जाग जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कल उनको काम पे जाना है, जहाँ तो काम पे इतने भी है, बट ये भी कोई बंद हो जाएगा। तो आज के लिए अपना इतना था। तो हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। उम्मीद है सबकी दिवाली अच्छी गई होगी। तो जय श्री राम।